गुड मॉर्निंग गाइज, जस्ट सेइंग हेलो फ्रॉम लेह लद्दाख। तो फाइनली हम लोग कल मनाली से राइड करते हुए हम लोग पहुंचे लद्दाख। जर्नी वॉज लिटरली स्पेक्टेक्युलर। मेरे को बाइक से आना था बट अनफॉर्चुनेटली बाइक वॉज प्रीटी एक्सपेंसिव, क्योंकि मैं अगर मनाली की बाइक लेके यहाँ पे आता तो वापस से शिप करने के चार्जेस वो ज़्यादा हो जाते हैं। टेम्पो में गाड़ी पूरी लेके जानी। आई डोंट वॉन्ट स्पेंड मच मनी ऑन दैट एंड दैट्स वाई आई चोज कैब। कैब जैसे कि आपको पता है 3500 पर सीट पर मेरे को पड़ा है, तो हमने दो सीट करी थी। इट वॉज अ शेयर कैब, इनोवा थी, काफ़ी स्पेशियस थी, फुल कम्फी था, राइड में कोई दिक्कत नहीं आई, वेदर भी काफ़ी सही था एंड हम लोग सुकून से हम लोग शांत लग यहाँ पे पहुँच गए। नाउ आई शो यू कि वेयर आई एम स्टेइंग करंटली। बाहर जाएंगे ना तो अपर तुपचा रोड करके है, वहाँ से यू विल गेट टू सी दिस गेस्ट हाउस बाय द नेम जूले गेस्ट हाउस। इट इज एक्चुअली रन बाय अ प्रीटी स्वीट लेडी बाय द नेम फातिमा। रूम्स आर प्रीटी स्पेशियस, प्रीटी कंफर्टेबल एंड प्रीटी वेल मेंटेन। तो मेरे को रूम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। यहाँ पे यू हैव अ सेपरेट बालकनी वाला रूम, देन यू हैव ओवर हियर यू हैव द एंट्रेंस। यहाँ पे आपको चाय मिल जाती है। ओवर हियर यू हैव वन रूम। एज यू कैन सी द रूम इज प्रीटी स्पेशियस, प्रीटी वेल मेंटेन, प्रीटी क्लीन। देन वी गो अप। ये वाला जो रूम है ये मेरा वाला रूम है। सारी चीज़ें बिखरी पड़ी है, अपोलॉजीज फॉर दैट। देयर इज अ बेड, ये अपना बैग, यहाँ पे एक टेबल है, बाइक मैंने लिया था तो उसके जो हेलमेट है, यहाँ पे हम लोग का सामान कबर्ड में रखा हुआ, यहाँ पे एक टेबल है। एंड मेरे को सबसे खूबसूरत जो चीज़ लगी ना इस जगह की, ये जो कारपेट है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। यहाँ पे यहाँ पे विंडो एंड विंडो के बाहर यू हैव दिस ब्यूटीफुल व्यू एंड यहाँ पे यू हैव दिस वॉशरूम्स। यहाँ पे आपको 24 आवर्स गर्म पानी मिलेगा। जो रूम का प्राइस है इट वेरीज फ्राम 700 to 1500 रुपीज़। हमने ले में दो दिन के लिए स्टे लिया था, जो कि कल से लेकर आज तक, आज से लेकर कल तक। तो कल का दिन तो हम लोग शाम को पहुँचे एंड फिर हम लोग गए ले मार्केट में, वहाँ पे हम लोग एक कैफे में उन्होंने खाना वाना खाया। टुडेज प्लान इज विल बी एक्सप्लोरिंग द लोकल लद्दाख बाइक पे। और द प्लान इज टू गो टू मैग्नेटिक हिल, फ्रॉम देयर विल गो टू जांस्कर इंडस कॉन्फ्लुएंस, जो कि इंडस रिवर जांस्कर रिवर का मिलाप होता है, संगम होता है। एंड देयर कपल ऑफ अदर लोकेशंस जो हम लोग आज देखने का प्लान करे हुए हैं। अभी ऑलरेडी 12:30 बज चुके हैं, वी डोंट हैव मच टाइम बट लेट्स सी हाउ इट गोज। अभी टाइम कुछ देर बज रहा है, मैं मॉर्निंग में उठा, फ्रेश हुआ, हमने सारी चीज़ें जगह पे रखी एंड फिर मैं गया बाइक लेने के लिए। तो नाउ वी आर आउट टू एक्सप्लोर द ले सिटी एंड कुछ मोनेस्ट्रीज है जो सोच रहा हूँ जाऊँ। एंड ये रही अपनी बाइक, सो दिस इज़ हिमालयन दैट आई हैव गॉट पूरा कैरियर के साथ में। प्रीटी पावरफुल बाइक एंड गॉट फॉर अ वेरी डिसेंट प्राइस। अभी हम लोग निकले जांस्कर इंडस का संगम देखने के लिए, क्योंकि यहाँ से कुछ अराउंड 31 किलोमीटर है पूरा लेफ्ट हैंड साइड पे ले मार्केट। यहाँ से हम लोग ले सिटी से निकलते हुए हम लोग हाईवे पे ज्वाइन करेंगे। हम लोग अभी ले श्रीनगर हाईवे पे है, सर सीधा सीधा श्रीनगर के लिए गया, अराउंड 400 किलोमीटर। तो हम लोग लास्ट डे रहेगा ले में, पूरा पैंगोंग, पूरा तुलतुक, हानले, और हम लोग यहाँ से हम लोग जाएंगे श्रीनगर एंड यहाँ से कुछ 31 किलोमीटर और बता रहा है। कल हम लोग जो आए थे हम लोग ये रूट से आए थे, क्योंकि हम लोग मनाली से आए थे एंड फ्यू गो टू श्रीनगर कारगिल और द ले एयरपोर्ट, तो सीधा सीधा रास्ता गया।
निकल के हम लोग पहुंचे संगम पॉइंट पे। इसको संगम पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ना दो नदियों का संगम होता है, एक तो है रिवर इंडस, एक तो है रिवर जांस्कर। मेरा हुलिया देखिए आप समझ ही गए कि कंडीशंस क्या। बीच में ना बारिश होने लग गई थी जिसकी वजह से आई हैड टू वेयर द रेनकोट, एंड पूरा गियर अप होने के बाद हम लोग फाइनली यहाँ पे जाके पहुंचे। दिस इज रिवर इंडस, दिस इज रिवर जांस्कर। मैग्नेटी हिल से कुछ 5 किलोमीटर आगे है, यहाँ से आगे से एक रास्ता गया हुआ है जो कि आपको नीचे तक लेके जाएगा। अब यहाँ से मैग्नेटर लेंगे वापस से ले की तरफ, एंड रास्ते में हम लोग मैग्नेटिक हिल पे रुकेंगे फिर वापस से ले की तरफ जाएंगे। तो गाड़ी यहाँ पे अपने को न्यूट्रल में पार्क करनी है, एंड न्यूट्रल में पार्क करने के बाद यहाँ से ना गाड़ी मतलब ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जाएगी। ये टेस्ट एरिया है, टेस्ट लेन है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी न्यूट्रल में पार्क करो एंड आप देखो गाड़ी कैसे आगे जाती है। तो लेट्स सी, न्यूट्रल में पार्क किया, क्या डिफरेंस। फाइनली जाके हम लोग पहुँचे मैग्नेटिक हिल पे। यहाँ पे मैंने गाड़ी अपनी न्यूट्रल में लगाई थी, वहाँ पे खड़ी करी और ब्रेक से पैर और हाथ हटा दिए थे, एंड गाड़ी एक्चुअली ऐसा आगे डायरेक्शन में जा रही थी। तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड एरिया है पेंट से मार्क्ड जहाँ पे आप अपनी गाड़ी खड़ी करके ये फेनोमेना को एक्सपीरियंस कर सकते हो। इट लुक्स लाइक कि गाड़ी ऐसा ऊपर साइड पर जा रही है। अब यहाँ से हम लोग यूटर्न मार के निकलेंगे लेक की तरफ पे, एंड लेक की तरफ में कुछ मोनास्ट्रीज है जो हम लोग को एक्सप्लोर करनी है। तो लेट्स होप कि वो मोनास्ट्रीज हम लोग टाइम से पहले पहुँच जाए। मैग्नेटिक हिल से निकलने ही वाले थे हमारी मुलाकात एक ग्रुप से हुई जिसका इधर फ्रॉम पुणे, कुछ लोग बारामती से, कुछ लोग प्रॉपर पुणे से, एंड द क्रेजी थिंग इज ये लोग ना पूरा पुणे से राइड करते हुए यहाँ तक आए। तो ये लोग ने श्रीनगर वाला सर्किट कंप्लीट किया, एंड इन लोग से मेरे को पता लगा कि श्रीनगर वाला जो रास्ता है श्रीनगर से लद्दाख तक इट इज़ वेरी कूल। तो अभी ये लोग यहाँ से आगे साइड पर जाएंगे लद्दाख, एंड लद्दाख से आई थिंक मनाली के साइड से, एंड फिर वहाँ से सर्किट कंप्लीट करके पुणे की साइड राइट से पेटून खूब बड़ा वाला। अभी हम लोग जा रहे हैं हेमिस मोनेस्ट्री। अब ये जो हेमिस मोनेस्ट्री है यहाँ से कुछ अराउंड 39 किलोमीटर दूर है, और ये ना अपने को मनाली हाईवे पे मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले हेमिस मोनेस्ट्री जाएंगे और वहाँ से थिक्से मोनेस्ट्री जाएंगे। तो ये दो मोनेस्ट्री कवर करके हम लोग वापस से ले सिटी में एंटर करेंगे। तो अभी कुछ 50 मिनट का ड्राइव है। हेमिस मोनेस्ट्री जाने के लिए हम लोग निकले, रास्ते में हम लोग बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो इसीलिए हम लोग एक छोटे से कैफे में रुके। दिस इज़ द मेन्यू कार्ड। ये अपना राजमा चावल आ गया है, और ये उसके साथ में हमने 2 लस्सी लिए। तो राजमा चावल ये फुल अपने को पड़ा 100 रुपीज़, एंड लस्सी का एक ग्लास पड़ा है 40 रुपीज़। लुक्स प्रीटी डिलीशियस, लेट्स ईट एंड लेट्स गो टू हेमिस मोनेस्ट्री। अभी यहाँ से 28 किलोमीटर पे हेमिस मोनेस्ट्री है। वी जस्ट होप कि हेमिस मोनेस्ट्री बंद नहीं हो जावे। बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, एंड लकीली हम लोग ने पूरा रेनकोट और पूरा गेयर लेके आया था। तो हमने रेनकोट पहन लिए, ग्लव्स पहन लिए, और यहाँ की बारिश कैसी पता है, ऐसा लगता है बर्फ़ गिर रही है। मतलब बारिश की बूंदों का भी टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कम ना कि क्या बताऊँ। तो अभी यहाँ से कुछ अराउंड 5 किलोमीटर पर अपनी हेमिस मोनेस्ट्री है, और अभी इस स्टेज पर बारिश थोड़ी सी रुक गई है। तो आई थिंक अगले 10 मिनट में हम लोग मोनेस्ट्री में पहुँच जाएंगे, एंड एज यू कैन सी द व्यू इज़ सो ब्यूटीफुल। एंड एक चीज़ पता है, लद्दाख के रोड्स की एक खासियत है कि इन रोड्स पे ना आपको स्पीड ब्रेकर बहुत कम मिलेंगे या फिर एकदम ना के बराबर मिलेंगे। तो हम लोग ये ऑफ रोड मार के हेमिस मोनेस्ट्री के इधर तक पहुंच गए। अब यहाँ पे ये रास्ता है जो सीधा मोनेस्ट्री की तरफ लेके जाएगा। कसम से रास्ता ना बहुत खूबसूरत है, उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी है। बट आई एम सो ग्लैड कि मतलब कसम से मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि हिमालयस में हम लोग एक अपनी खुद की गाड़ी पे हम लोग घूम रहे हैं। बताए गूगल मैप वाला रास्ता बिल्कुल फॉलो नहीं करिएगा,
मैप वाला रास्ता थोड़ा गलत है, हमने यहाँ पे एक लोकल बाइकर था वो जा रहा था उससे हमने पूछा एंड ही गिव अस द डायरेक्शन। यहाँ से हम लोग चढ़ के आ गए ऊपर, ये पूरा पार्किंग एरिया माउंटेन्स के बीच में ये है मिस मनास्ते लोकेटेड है। ऊपर जाते हैं, होपफुली हम लोग ठीक से भी आज देख लेंगे। एम एस मनास्ते की जो टिकट है अराउंड 50 रुपीज़ की है पर पर्सन, एंड अंदर आप कैमरे से शूट नहीं कर सकते, बाहर आप रिकॉर्ड कर सकते हो, जस्ट अंदर आप नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द एंट्रेंस एंड यहाँ पे एक पब्लिक वॉशरूम है। वन थिंग मेक श्योर कैरी प्रॉपर मेडिसिन लाइक डायमॉक्स, अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो, अगर पेट में गड़बड़ है तो उसकी गोली लेना, एंड अदर बिट मेक श्योर टू कैरी सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ड्राई वेदर है। दिस इज़ द हेमिस म्यूजियम and this is information about Hemis Monastery. This place is so beautiful and so peaceful. 50 रुपीज़ इसकी एंट्री टिकट है एंड इट इज़ ऑल वर्थ इट। यहाँ पे दो से तीन टेम्पल है, जो इंटीरियर है यू आर नॉट अलाउड टू टेक फोटोज और वीडियोज इनसाइड। अंदर से एक ऊपर साइड पर रास्ता है जहाँ से आप ना मनास्ट्री के एकदम ऊपर जा सकते हो, एंड ऊपर से जो व्यू है ना, नीचे का व्यू बहुत क्रेजी है एंड जो है कि वाइब काफ़ी खूबसूरत है, मतलब फुल माउंटेन्स के बीच में बना हुआ है। तो गाइस ये छोटा सा सुवेनियर मैंने लिया है एमएस मनास्ट्री से, हम लोग एमएस म्यूजियम में, वहाँ पे आपका टिकट चेक होता है। देयर इज अ लॉकर वेर यू कीप योर मोबाइल फोन्स, कैमरास, बैग्स, एंड यू गो डाउनस्टेयर्स, एंड डाउनस्टेयर्स आपको पूरा म्यूजियम देखने मिलता है जहाँ पे उनका पूरा कलेक्शन है, कुछ कुछ डोनेशंस है, कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने खरीदी हुई है। वहाँ पे यू कैन ऑल्सो सी स्नो लेपर्ड का स्किन, टाइगर का स्किन, जो किसी ने तो डोनेट किया हुआ है। प्रीटी ऑसम प्लेस। और अभी टाइम है 6, मेरे को कवर करना है टिक्सी मनास्ट्री भी, इज अराउंड 30 मिनट्स फ्रॉम हियर एंड 7 बजे तक चालू होता है। डोंट नो इफ आई बी अलाउड, मुझे जाके देख लेंगे अलाउ किया तो ठीक है। नाउ लेट्स गो फ्रॉम हियर। फाइनली इट इज़ टाइम टू से गुड बाय टू द हेमिस मनास्ट्री, सो द फाइनल लास्ट व्यू ऑफ हेमिस मनास्ट्री। सो हैप्पी आई कवर्ड इट। अब जा रहे हैं टिक्सी मनास्ट्री में। टिक्सी का नेविगेशन मैंने मैप पे सेट कर दिया है, होप कि हमें अंदर एंटर करने दिया जाए। ये रहे अपने ग्लव्स, इन ग्लव्स की भी अलग ही स्टोरी है। जब लास्ट ईयर मनाली आया था बाल अच्छा करने के टाइम पे आई बॉट दिस ग्लव्स, उस टाइम पे कुछ काम नहीं हुआ, एक साल मेरे कबर्ड में पड़ा था एंड हर जगह इस ग्लव्स का इस्तेमाल हो रहा है। एंड अदर टिप आई वांट टू शेयर इज़ मेक श्योर हेलमेट जो पहनोगे आपके कान अच्छे से कवर्ड हो, वाइजर आपका क्लियर हो, एंड वाइजर पूरा फुल फेस हेलमेट लेना ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि रास्ते पे इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है ना, धूल मिट्टी, बारिश कभी भी हो सकती है और ठंड इतनी लगती है ना कि इट इज़ वेरी मच क्रेजी। तो फुल फेस हेलमेट रखना, एक मास्क या फिर एक ऐसा एक स्कार्फ रखना जिससे आप अपना मुंह और नाक ढक सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप उड़ती है एंड इट इज़ वेरी मच चिली आउट हियर। तो धूल मिट्टी से प्रोटेक्शन के लिए इट इज़ वेरी मच रिकमेंडेड। तो अभी यहाँ से निकलने का वक्त हो गया, बैठते गाड़ी पर, फायर करते इसको एंड लेट्स रोल। ये रोड पकड़ के हम लोग आ गए मनाली ले हाईवे पे। अब यहाँ से अगर अपन ने राइट लिया तो सीधा मनाली के लिए रास्ता, एंड अगर ये लेफ्ट लिया तो सीधा ले के लिए रास्ता निकले। सर जी मनास्ट्री अभी चालू रहेगी ना, जा सकते ना भाई, गाड़ी ऊपर लेके जा सकते क्या? जा सकते ना, थैंक यू। सीधा ना, हाँ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी द मनास्ट्री, ह्यूज मनास्ट्री। दिस इज द एंट्री ऑफ टिक्सी मनास्ट्री। फाइनली हम लोग पहुंच गए, द टाइम इज 6:41। टिक्सी मनास्ट्री की जो टिकट है अपने को पड़ी है 50 रुपीज़ पर पर्सन, एंड मनास्ट्री कुछ 7 बजे तक चालू रहती है। वी हैव टू कवर इट विद इन 15 मिनट्स वे टूवर्ड्स मनास्ट्री, एंड ये बाहर से कितनी ह्यूज और कितनी प्यारी लगती है।
हमारी हालत ख़राब हो गई यहाँ तक चढ़ के आने में। अब हम जा रहे ऊपर, प्रॉपर मोनास्ट्री में एंटर करेंगे। Is also located at the top of the mountain. The good news is यहाँ पे अंदर कैमरा अलाउड है। Also the temple you have this area जहाँ से आपको पूरे लेह सिटी का बाहर का व्यू दिखता है। लेह ऑलमोस्ट हम लोग घूम चुके हैं एंड अच्छा मैंने गाड़ी एक दिन पहले लिया था, मैं वो गाड़ी पे थोड़ा हाथ साफ करने भी मिल गया, गाड़ी के कंट्रोल थोड़े से अच्छे समझ गए। We covered confluence of Zanskar and Indus River, we covered the magnetic hill, we covered the Hemis Monastery and we covered the Thixi Monastery. अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे लेह के लिए। लेह कुछ अराउंड 15 से 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से। कल हम लोग को निकलना है नुब्रा वैली के लिए, वहाँ से ही हम लोग डायरेक्टली पैंगोंग और वो सारी चीज़ें करेंगे। पैंगोंग के पहले तांगस्ते करके गांव होता है जहाँ पे यहाँ पर पेट्रोल पंप, बट उसके आगे अगर डिस्टेंस कवर करना तो यू डोंट हैव अ पेट्रोल पंप, जिसकी वजह से मेरे को एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट मेरे को एक जेरी कैन लेनी है जिसमें पेट्रोल मैं कैरी कर सकता हूँ। दिस इज़ आर बाइक विच इज़ हिमालयन एंड ये अपनी शॉप है जहाँ से मैंने बाइक अपनी रेंट पे ली है, विच इज़ gatpoadventure.com। दे आर स्पेशलाइज्ड इन टू टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन, दे आर स्पेशलाइज्ड इन टू बाइक रेंटल, होटल्स एंड कैंप, शेयरिंग टैक्सी, रिवर राफ्टिंग, फ्लाइट टिकट्स, टूर पैकेजेस, इनर लाइन परमिट्स। तो इन सारी चीज़ों के लिए अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए लद्दाख में तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मिस्टर थिनले। मैं थिनले सर से मिला था गूगल मैप्स के जरिए से, गूगल मैप्स में बाइक रेंटल शॉप्स सर्च कर रहा था एंड मेट मिस्टर थिनले एंड मैंने उनसे बात करा, मैंने उनको अपना पूरा प्लान बताया एंड ही वॉज सो हेल्पफुल, उन्होंने मेरे को सारी डिटेल्स बता दी। मैंने पूरा सर्किट का डिटेल्स बताया कि मेरे को लेह से नुब्रा, तुलतुक, पैंगोंग, हानले। तो वेन एवर यू आर प्लानिंग टू कम टू लेह लद्दाख, आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको शेयरिंग टैक्सी चाहिए, अगर आपको इनर लाइन परमिट चाहिए, लद्दाख के आसपास के जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज है ना वहाँ पे घूमने के लिए आपको एक स्पेशल परमिट की जरूरत लगती है, विच यू कैन ऑल्सो टेक ऑनलाइन, बट अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो इफ यू नीड हेल्प विद दैट तो थिनले सर आपको उस चीज़ के बारे में भी हेल्प कर देंगे। एंड इफ यू वांट टू गेट इन टच विद देम, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए एंड उसके डिस्क्रिप्शन में आप उनका नंबर, उनका नाम आपको मिल जाएगा। इनके पास से बाइक रेंटल का जो भी डिटेल्स है आप उनसे पूछ लीजिए एंड आई एम श्योर कि दे विल गिव यू अ बेस्ट प्राइस। मेक श्योर टू यू नो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर नॉट डन इट ऑलरेडी। आगे की भी वीडियो फुल क्रेजी होने वाली है, जैसा मैंने बताया हम लोग कल जाएंगे नुब्रा वैली सेम इसी बाइक पर।